अहमदाबाद उदयपुर रेलवे आवान परिवर्तन के बीच डूंगरपुर से हिम्मतनगर तक ट्रेन की शुरुआत हो गई, लेकिन वागड़ और पूर्व मेवाड़ को सबसे ज्यादा जिस बात का इंतजार है वो ये है कि उदयपुर से अहमदाबाद के बीच कब ट्रेन शुरू होगी। खबर में आगे बढ़ूं इससे पहले अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। अधिकारियों और विशेषज्ञों की अगर माने तो अहमदाबाद से उदयपुर के बीच 4 माह बाद यानी अप्रैल 2022 तक ट्रेन शुरू कर दी जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि 4 माह में बचा हुआ आमान परिवर्तन का संपूर्ण कार्य पूरा हो जाएगा। उदयपुर अहमदाबाद रेल लाइन शुरू करने के बाद मेवाड़ वागड़ के लिए ये वरदान होगा। दक्षिण राजस्थान में व्यावसायिक गतिविधियां और पर्यटन में खासी बढ़ोतरी होगी। आपको बता दें कि उदयपुर से डूंगरपुर के ट्रैक की कुल दूरी 110 से 115 किलोमीटर है। इसमें डूंगरपुर से जयसमंद तक के 55 किलोमीटर ट्रैक ने भी गति पकड़ ली है। डूंगरपुर से जयसमंद के बीच पटरियां बिछाने का कार्य जारी है। वहीं खारवा से उदयपुर तक कार्य पूरा हो गया है। अब सिर्फ जयसमंद से खारवा तक का 35 किलोमीटर का कार्य शेष है। प्रोजेक्ट खत्म करने का समय अप्रैल 2022 तक रखा गया है। एक नजर डालते हैं कि अगर उदयपुर से अहमदाबाद ट्रेन शुरू होने के बाद क्या फर्क पड़ने वाला है। गुजरात और महाराष्ट्र से दक्षिण राजस्थान का व्यावसायिक जुड़ाव होगा, जिससे रोजगार में बढ़ोतरी होगी। राजस्थान से रोजगार के लिए गुजरात और महाराष्ट्र जाने वालों को आवागमन में आसानी रहेगी। वर्तमान में निजी बसों के भारी किराए से आहत लोगों को राहत मिलेगी और ट्रेन में सस्ता सफर कर पाएंगे। उदयपुर और नाद्वारा के साथ ही दक्षिण राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। गुजरात से अधिक लोग आएंगे। वागड़ के लोगों को गुजरात और महाराष्ट्र और इधर सीधे दिल्ली तक जुड़ने की सीधे व्यवस्था हो जाएगी। आमान परिवर्तन के कार्य की अंतिम तिथि दिसंबर 2020 थी, लेकिन बजट की कमी और स्वीकृतियां जारी होने में देरी से कार्य 1 वर्ष आगे तक बढ़ गया। इस बीच कोरोना काल में रुकावटें आईं। जैसे तैसे डूंगरपुर से अहमदाबाद के 170 किलोमीटर के ट्रैक का कार्य पूर्ण करवाया गया। दिसंबर 2020 में सीआरएस निरीक्षण के बाद फिर कोरोना की दूसरी लहर की वजह से रुक गया। दिसंबर 2021 के अंतिम सप्ताह में माल गाड़ियों के आने के बाद ट्रेन संचालन की उम्मीद जगी है और फाइनली अब शुरू हो गया है। उदयपुर से अहमदाबाद परियोजना पर एक नजर डाल लेते हैं। 2008 में बजट में घोषणा, 2010 में डिटेल एस्टिमेट स्वीकृति, 2011 में कार्य निविदा जारी हुई, 2012 में कार्य की शुरुआत हुई, 2022 में आमान परिवर्तन की डेटलाइन। आंकड़ों में स्थिति जान लेते हैं। 829.74 करोड़ खर्च आका इस प्रोजेक्ट की शुरुआत में, 1216 करोड़ कीमत मानी प्रोजेक्ट लंबा खींचने पर, 1449.43 करोड़ तक लागत बढ़ी 1 साल पहले, 297.24 किलोमीटर का है ये कुल आमान परिवर्तन कार्य। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें, हम है ना, अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहे, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।